अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम आज हमारा प्रोग्राम बना है ऊपर हैकिंग करने का, और ये सारे दोस्त आ गए यहाँ पे, पार्किंग में मौजूद हैं। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर आपको ऊपर का रास्ता भी साथ साथ दिखाते हैं कि कितने हैं, कैसे रास्ते जो है पहाड़ी के ऊपर जाना है। हमने 4.5 किलोमीटर है ना, 4.5 किलोमीटर हवा लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे, ये कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। कूड़ा क्रिकेट ना फेंके और प्लास्टिक के जो है वो बैग लेके जाएं, जिसमें आप अपने पाबंदी है, बैग्स नहीं लेके जा सकते, शॉपिंग बैग्स नहीं लेके जा सकते, आप पिस्टल वगैरह चाकू वगैरह नहीं लेके जा सकते, डॉग्स एंड पेट्स जितने भी आपके हैं मतलब के बिल्लियों वगैरह नहीं लेके जा सकते आप, और जहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ के जितने भी आपको यहाँ पर जानवर नजर आएंगे उनको डिस्टर्ब नहीं करना आपने, ठीक है, और कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर नहीं फेंकना, ठीक है। यहाँ पर ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं सामने बोर्ड पर, सारे रूल्स वो सामने भी लिखे हुए हैं सारे, और ये इसकी पार्किंग है। अभी हम चलते हैं ऊपर, ये इसकी एंट्रेंस है यहाँ से। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये एक बहुत ही पुराना दरख्त जो 250 साल पुराना, जो सीडीए के रिकॉर्ड में 250 साल पुराना है। आईटी की टिप्स के फोरम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना मोबाइल से और अपने DSLR का कंपैरिजन कर रहे हैं आउटडोर का, तो वो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम अभी ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ वहाँ के इनके अपने बंदे खड़े हैं, तो ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना, यहाँ पे क्या चीज़ आगे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, तो ये इनसे मैं बात करवाऊँगा, ये अपना तारुफ भी करवाएँगे और बात भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान खान है और मैं एज़ अ वाइल्ड लाइफ गार्ड हूँ मरगलेस नेशनल पार्क में, और मैं एज़ अ पार्क गार्ड ट्रेल 5 पे ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। हम तमाम जितने भी विजिटर्स हैं जो इधर इस ट्रैक पर आते हैं, हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने साथ सिर्फ पानी की बोतल्स साथ लेके जाएं और खाने पीने की कोई अशिया अपने साथ ना लेके जाएं, ताकि इस ट्रेल को साफ़ सुथरा रखा जाए। और इसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसे एंटी लेटरिंग कैंपेन हमने स्टार्ट की है, और लोगों को हम यही एडवाइस करते हैं कि आप जो भी खाना पीना है वो इसी लॉन में करें, ताकि ऊपर जाके गंदगी से ये ट्रेल बच सके। अच्छा, हमने देखा है आते हुए कुछ लोगों के पास कुरेला और कुछ अंगीठियां वगैरह थी, तो ये यहाँ पर कोई इजाज़त है इस चीज़ की क्या ऊपर जंगल में आपको बारबेक्यू करें? ऊपर सर इजाज़त नहीं है, सिर्फ हमने कैंपेन साइट बनाई हुई है वहाँ तक इजाज़त है उन लोगों को,
ऊपर ट्रेल पे हम किसी को भी मतलब बारबेक्यू की इजाजत नहीं। अच्छा, पार्किंग से कितने हद तक इजाजत है? पार्किंग से तकरीबन ये 200 मीटर पर यहाँ पे हमने जगह बनाई हुई है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ तक इजाजत है। उससे इन्फॉर्मेशन सेंटर से आगे हम लोगों को इजाजत नहीं देते, और ना आपने देखा होगा कि ऊपर कोई कर सके ये सब। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लोग लेके आए थे, ये सेवर फोर्स वगैरह और अपने ये जो खाने पीने की चीज़ें, ये इन्होंने यहीं पे रोक दी हैं और ऊपर ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे लोग असल में कचरा फेंकते हैं, और जिस वजह से ये इन्होंने एक सफाई मुहिम के तहत यहाँ से आगे मना कर दिया, और सिर्फ आप पानी की बोतल यहाँ से आगे ले जा सकते हैं। ये पीछे आपको दिखाएं तो ये ग्राउंड है, ये इस तरफ यहाँ पे आप कर सकते हैं खाने पीने का सारा इंतज़ाम, और यहीं पर इनका सफाई का अमला भी मौजूद है। स्टेप बने हुए हैं कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितने किलोमीटर हो गए। यहाँ पे वो जो पीछे लगा हुआ है वो 1.3 किलोमीटर तक हम आ गए हैं, और वैसे तो आप अगर जाना चाहें तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में आराम से, आधे घंटे से भी कम सफ़र है, ये पूरा ट्रैक मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि कितना टाइम लगता है। अच्छा, इस पूरे रास्ते में साथ साथ पानी है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। पानी बहुत साफ़ है, और मैं यहाँ पे अपना ये SJKM 7-star में टेस्ट करने लगा हूँ पानी के अंदर, तो मैं असद भाई को दूंगा। असद भाई ज़रा इसके अंदर, उन्होंने जूते दूसरे पहने हैं, तो मैं ऑन करके देता हूँ उनको, वो इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ट्रेल 5 पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के जो उनके कार खड़े थे उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी। यहाँ पे आप खाना वगैरह ऊपर नहीं ले जा सकते, यहाँ पे स्टार्टिंग पे इन्होंने वाशरूम वगैरह और पानी का इंतज़ाम मौजूद है, और उसके ऊपर आप बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेल
ट्रैक है कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम तो आधे रास्ते से वापस आ गए थे, लेकिन आगे हम क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, हम फोटोग्राफी कर रहे थे। ये खुरम भाई अपने चैनल के लिए फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारा कंपैरिजन करके आपको दिखा दिया है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इनके चैनल पे जाएँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से DSLR के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड और नई टेक्नोलॉजी मोबाइल से रिलेटेड उस पर आपको मिल जाएंगी। आप उनके चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।